श्रीकाल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर सैयद है और आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में R65 ड्रॉप के बारे में। R65 ड्रॉप के यूजेस क्या क्या है और जो है ये किस क्वांटिटी में अवेलेबल है इंडिया में और इसका प्राइसिंग क्या है, इसके बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जो भी नए व्यूअर पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। R65 जो मेडिसिन है ये क्लिनिकली प्रूवन होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये रैकविक जो कंपनी है जो मोस्टली जर्मनी बेस्ड कंपनी है उसकी ये मेडिसिन है। इसमें कुछ 5 से 6 मेडिसिन जो है एडेड है और ये काफी ज्यादा यूजफुल होती है स्पेशली सोरियसिस के केसेस में। और ये मोस्टली सारी जो मेडिसिन है ये कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज है। R65 ड्रॉप है ये मोस्टली 22 ml के वायल में अवेलेबल है और इसकी कॉस्टिंग लगभग जो है 230 rupees तक आपको जो है मार्केट में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों इसकी कुछ कंपोजिशन है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। R65 जो ड्रॉप है इसके अंदर 6 महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयां मिक्स हैं। इसमें सबसे पहली दवा है वो है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम जो मेडिसिन है ये सोरेसिस वल्गेरिस की केसेस में काफी ज्यादा यूजफुल होता है और ये जो पैचेस होते हैं मोस्टली पूरे बॉडी के ऊपर होते हैं। इस टाइप के पेशेंट में जो इचिंग होती है वो ज्यादातर नाइट में होती है और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं काफी ज्यादा जो है रेस्टलेसनेस होता है बॉडी के अंदर और उसके साथ में पेशेंट को जो काफी ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है और उसके बाद में पेशेंट को जो है इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आर्सेनिक एल्बम एक इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है ऐसे केसेस में और R65 ड्रॉप के अंदर आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन जो है ऑलरेडी एडेड है। तो इसमें जो दूसरी दवा है वो है किल्कीरा कार्ब। किल्कीरा कार्ब जो है एक इफेक्टिव मेडिसिन है स्पेशली स्किन डिसऑर्डर में और इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं सोरेसिस के वो मोस्टली काफी ज्यादा फैटी होते हैं यानी कि उनमें मोटापा काफी ज्यादा होता है और काफी ज्यादा उनका स्किन का कलर काफी ज्यादा फेयर होता है। तो ऐसे केसेस में किल्कीरा कार्ब एक इफेक्टिव मेडिसिन है और किल्कीरा कार्ब के पेशेंट में काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है और जब भी स्वेटिंग होती है तो जो पैचेस होते हैं सोरेसिस के वो काफी ज्यादा जो है इच करते हैं, काफी ज्यादा उनमें इचिंग होती है और पेशेंट जो है ठंडी चीजों को जो है बियर नहीं कर सकता है। पेशेंट के जो सोरेसिस की कंप्लेंट है वो ज्यादातर जो है ठंडी चीजों से काफी ज्यादा बढ़ जाती है या पेशेंट जो है कोल्ड में एक्सपोज हो जाए तो उन कंडीशन में जो है पेशेंट का सोरेसिस की जो कंप्लेंट है वो काफी ज्यादा जो है एग्रवेट हो जाती है। और इसमें जो तीसरी दवा है वो है बर्बेस एक्वाफोलियम। बर्बेस एक्वाफोलियम एक वेल इफेक्टिव मेडिसिन है स्पेशली स्किन डिसऑर्डर्स में। सोरेसिस के पेशेंट होते हैं और उनमें स्केलिंग काफी ज्यादा होती है उन केसेस में जो है बर्बेस एक्वाफोलियम काफी इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है क्योंकि ये स्केलिंग को जो है शरीर से खत्म करती है, उसके साथ में जो नई चमड़ी होती है हमारे शरीर के अंदर उसको भी जो है ये इम्प्रूव करती है और उसके जो है हीलिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा ये अफेक्टिव साबित होती है। कभी सोरेसिस के पेशेंट में क्योर होने के बाद में एक तरह का निशान बन जाता है उस एरिया में तो उन केसेस में भी जो है बर्बेस एक्वाफोलियम काफी इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है और निशान को पेशेंट के अंदर नहीं बनने देती है। और इसमें जो चौथी मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस भी एक इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है स्पेशली सोरेसिस के केसेस में। ताकि जो पेशेंट होते हैं जहां पर भी पेशेंट के सोरेसिस डेवलप हुआ है वहां पर काफी ज्यादा जो है पल्स जैसा डिस्चार्ज होता है पेशेंट को और वहां पर जब पेशेंट डिस्चार्ज होने लगता है पस का तो काफी ज्यादा पेशेंट को इचिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो उन केसेस में जो है काफी इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है ग्रेफाइटिस। तो ये मेडिसिन भी ऑलरेडी जो है R65 ड्रॉप के अंदर ऑलरेडी एडेड है। इसमें जो छठी मेडिसिन है वो है नैट्रियम क्लोरेटम। नैट्रियम क्लोरेटम जो है एक इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस में और सोरेसिस के केसेस में। तो ये जो मेडिसिन है काफी इफेक्टिव होती है स्पेशली अगर पेशेंट को स्काल्प के ऊपर सोरेसिस हुआ है यानी कि उसके हेड के ऊपर काफी ज्यादा सोरेसिस डेवलप हो गया है तो उन केसेस में ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है। पेशेंट में काफी ज्यादा जो है डैंड्रफ जैसा सर के ऊपर से निकलता है और इचिंग काफी ज्यादा होती है तो उन केसेस में जो है ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव साबित होती है और ये मेडिसिन ऑलरेडी जो है R65 ड्रॉप के अंदर एडेड है। दोस्तों ये थे कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट जो कि R65 ड्रॉप के अंदर होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके डोसेस के ऊपर। R65 ड्रॉप को आपको जो है 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप पानी के साथ में लीजिए और इसे जो है गुनगुने पानी के साथ में लीजिए तकरीबन
15-20 मिनट पहले खाना खाने के, और इसे जो है आप 3 से 6 महीने तक जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर और इसके साथ में जो है आप सोरिनम 1 एम पोटेंसी की दवाई साथ में लीजिए, 2 बूंद लेना है आपको महीने में एक बार। इसके जो है डोसेस को आपको रिपीट नहीं करना है। और दोस्तों ये जो R65 ड्रॉप है ये 22 ml के वाइल में अवेलेबल है, ये किसी भी आपको लीडिंग होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएगी, या फिर जो है आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं जैसे कि 1 मिलीग्राम ऐप से। तो इस दवा की कीमत जो है तकरीबन 235 रुपए है और ये 22 ml की ड्रॉप आती है। अगर आप इसे जो है ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको कुछ इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो R65 ड्रॉप के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सवालों को जो है लिख के भेजिए, फोन ना करें क्योंकि इस पे जो है फोन रिसीव नहीं किए जाते हैं। और दोस्तों मैं जो हूँ लाइव क्लिनिक में आता हूँ हर सोमवार से गुरुवार 2 बजे लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो उस दौरान भी जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आपके सवाल जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक लीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।